उन्हें चैलेंज किया था ना मोमिन मलिक साहब को, बहुत गलत किया तूने। अगर तो जिस दिन 27 तारीख को तू गई थी ना तो हाजिरी लगाने तो गई थी, अगर तो 27 तारीख को कोर्ट रूम में चली जाती ना तो शायद आज तेरे को ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज मोमिन सर को नेपाल नहीं जाना पड़ता। क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी पहले से है, इन्फॉर्मेशन उन्होंने तेरी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से तू जो नेपाल आने में लगी हुई है, नेपाल में तेरे जो संबंध है, क्योंकि नेपाल में तू को कॉल बोल रही थी कि मैं 10 दिन के लिए आई थी, और लप्पू को मैं तेरे भाई ने बोला कि भैया ये तो इसकी मर्दानगी चेक करने आई थी, वो मर्दानगी चेक करने नहीं आई थी, तू मर्दानगी तू रेकी करने आई थी हिंदुस्तान में, कहाँ जाना है मुझे, कहाँ पे रहना है मुझे, मुझे कहाँ पे रहना है, कौन से घर पे रहना है। पहले तो कुछ दिन दिल्ली में रही, दिल्ली से फिर तू रघुपुरा शिफ्ट हुई, रघुपुरा में जब तू शिफ्ट हुई 50 दिन तू वहां रही। तू क्या सोचती है तेरे अगर इतिहास में अगर तेरे बारे में लिखने का, चल बोधली तेरे बारे में लिखेंगे हम इतिहास में, ठीक हम लिखेंगे अपने राजा महाराजाओं के बारे में, अपने बजरंगी भाईजान के बारे में, बिल्कुल अंसार बरनी जी के बारे में, अंसार बरनी जी जो अंसार बरनी जी की जो ट्रस्ट है, और अंसार बरनी जी ने जो फैसला लिया मोमिन सर को यहाँ अपॉइंट किया हैदर भाई का वकील, मैं कह रही हूँ वन ऑफ द बेस्ट आइडिया, बेस्ट आइडिया। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो 3 महीने में अभी कुछ नहीं होता, हम बेवकूफ बन रहे होते, मैं वकील चिल्लाता रहता एपी सिंह, आज वो गर्म गुफा में भी नहीं घुसता, और उसके ये दिन भी नहीं आते को जो ऐसे टी शर्ट पहनता जिसकी की लास्टिक ही नहीं थी, उसको अपनी बहन के खिलाफ वो बहन के उसमें भाषण देने में ये भी पता नहीं था कि मैं टी शर्ट में हूँ किस में हूँ। फिर छुट्टी के दिन संडे के दिन जब इंसान अपना रिलैक्स मोड में होता है, अपने घर की यूनिफॉर्म में होता है और कंफर्टेबल होता है, उस दिन वो वकील की ड्रेस पहन के वीडियो बना रहे हैं। बताओ गर्मी कतई, मैं कह रही हूँ कतई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, हमें भी हो रही है, दिमाग पर फिर भी हमारा काम कर रहा है, बिल्कुल बुढ़ापे में दिमाग इतना चलाओ मत, एपी सिंह जी दिमाग ना बुढ़ापे में इतना मत चलाइए कि आपको ये सोचने पे, आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओ कि ये 50 पे पहुंचा पारा 60 पे पहुंचा, कभी कभी आपको पूछने लग गए कि हाँ भाई आज का पारा कितना है, कभी आप 70 बता दो, कभी आप 80 बता दो, और लोग पकड़ के आपको एक इधर से एक इधर से सीधा वहां ले जाए पागल खाने। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये औरत मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ और तब तक बोलती रहूंगी कि ये औरत जिन जिनकी जिंदगी में ये औरत गई ना वो आदमी वो व्यक्ति बर्बाद हुए, आप रह गए थे, और बहुत अच्छा हुआ कि पराकर सर ने इसको बेल करके छोड़ दिया, चाहे वो एपी सिंह जी ने उनको एक साइड में किया, टोपी सिंह ने नीचे कोई टोपी सिंह लिख रहा है तो मैं टोपी सिंह ही पढ़ रही हूँ, तो टोपी सिंह ने चाहे वो मीडिया को बोला कि खबरदार कोई इसके पास नहीं जाना चाहिए, वो तो उनके बहुत अच्छे कर्म थे, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए थे कि इस बोधली जज से उनका रास्ता नहीं हुआ। हेमंत प्रासर सर कहते हैं मेरे सिर पर माता रानी जी का बहुत तगड़ा हाथ है। कहते हैं माता रानी आपके सारे हिंदुस्तान की बहने हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक बहुत अच्छा काम हुआ कि हेमंत प्रासर को अलग बिठा दिया और टोपी सिंह कुत्ते बनकर आए। ये भी बहुत जबरदस्त काम हुआ। इसने जिस माँ के गर्भ से पैदा हुई है उस माँ की सगी नहीं हुई है, जिस बाप ने इसको पाला पोसा, जिस बाप ने रिक्शा चला के, हैदर भाई भी रिक्शा चलाते थे तब और इसके फादर भी रिक्शा चलाते थे, ये इसके फादर भी इसके घर का खर्चा चलाते थे, जब इसने उस बाप को घर से बाहर निकाल दिया, जब उसके बाप ने बोला कि तू ये गंदा गलत काम मत कर, देख हैदर अगर सात समंदर पार गया है तो तू इतने आवारा मत घूम भाई, एक बाप का फर्ज है समझाना, इसने नहीं माना, इसने अपने घर से क्या किया, अपने पिताजी की जो अपने जो अब्बू की है अटैची और जो उसके बिस्तर थे वो फेंक दिए बाहर, वो बेचारा आया होता चला के फिर उसको दूसरी जगह वो लेना पड़ा, साले हमारे सामने बोलने लायक है, अबे दो कौड़ी की बोधली तू हमारे सामने बोलने लायक है,
बिल्कुल भी नहीं, इतने कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं, औकात भी नहीं है, इतने कुछ सोशल मीडिया पे चीख और चिल्ला सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम तेरे जैसी अपने ना वो नहीं खोते हैं, हम तेरे जैसी बेगैरत नहीं है, हम गैरतमंद है, हम तेरे चैनल पे आते भी नहीं है। और तूने बोला था ना, मैंने तेरे को बोला था, तू तो अगर एक बाप की बेटी है तो जितने हिंदुस्तानियों ने तेरे को सब्सक्राइब कर रखा है तो अनसब्सक्राइब कर, तूने दिखा दिया। तूने एक लड़के को बोला था ना जिसने तेरे को मैसेज किया था कि ये अगर दोबारा मेरे चैनल पे आ जाएगा तो 10 बाप का है, तो कितने बाप की है, क्योंकि तूने अभी तक हिंदुस्तानियों को अनसब्सक्राइब नहीं किया। मेरे हिंदुस्तानी, अगर मेरे हिंदुस्तानी अगर तेरे को देखते हैं तो तेरे पे नजर रखते हैं, वो तेरे को जो 2-4 लोग हैं जो तेरी वो करते हैं, ठीक है ना, तेरे ठुमकों पे तेरे को वो करते हैं, तेरे को सपोर्ट करते हैं, वो भी मैं देखूं कि वो अपने बाप की असली औलाद है, जिस दिन तू जेल जाएगी देखते हैं कि तेरे साथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, वो भी देखना है। हम भी यही चाहते हैं। कोई पूरा, हाँ, बाकी तेरे को पूरा इंडिया कोई पसंद नहीं करता है। तूने हमारे हिंदू, हमारे हिंदू भाइयों में और मुस्लिम भाइयों में लड़ाई कराने की बहुत कोशिश की, नाकामयाब, तेरी कहीं नहीं चली। और बेगैरत औरत, तू इतनी बड़ी पनौती है, तूने इस बार 400 का आंकड़ा हमने पार करना था, जीत तब भी हमारी हुई, लेकिन तेरी वजह से कितनी वोटें कटी हैं, बेगैरत, बेशरम, बेहया, तेरी वजह से हमारे मोदी जी, योगी जी की कितनी वोटें कटी हैं तेरे को पता है? तू ना प्रचार करती, ना तो हिंदू मुस्लिम करती, ना ये सब होता। बिल्कुल, तेरी जैसी बेगैरत औरत यहाँ पे आके ना, अब इसका पूरा श्रेय जाता है एपी सिंह जी को। अब एपी सिंह जी, आप क्या जवाब देंगे? ये औरत जो है, जब हमारी वोटिंग चल रही थी तब ये आके प्रचार प्रसार कर रही थी, किसने इसको राइट दिया? किसने दिया इसको राइट? आपने दिया ना? बिल्कुल, स्क्रिप्टेड इसके, हाँ, जो भी वो होते थे स्क्रिप्टेड, वो आप स्क्रिप्ट लिख के देते थे ना, तो कौन पकड़ा जाएगा? गर्दन बता के रखना आप, एपी सिंह जी बहुत, अब सर से ऊपर हो गया पानी, अब नहीं, क्योंकि निर्भया के केस में तो हम लोगों ने छोड़ दिया था, हम लोगों ने उस टाइम पे निर्भया की मां ने, 15 दिन बाद आप निर्भया की मां के पैर पकड़ने गए थे तब आपका लाइसेंस बचा, इस बार नहीं बचने वाला। 18 जगह एप्लीकेशन डाल रखे, एक भी नहीं, 18 जगह। अब सरिता जी आप ये देखिए, अगर 18 जगह से 10 जगह से भी इनका कैंसिलेशन का वो ओके हो जाता है तो क्या रह जाएगी इनकी, हमें बताइए? जीरो, नथिंग, बिल्कुल बिग जीरो, बिग जीरो, एग्जैक्टली। ये औरत आप ये लगाइए, ये औरत जिसकी जिंदगी में रही, इसने किसकी जिंदगी आबाद की? इसने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया, वो माँ मर गई, इसने अपने बाप के साथ में, इसने अपने बाप को अपने साथ में रखा, इसकी बहनें इसके साथ में कोई नहीं है, ये हैदर भाई से शादी हुई, इसने हैदर भाई को इतना बर्बाद कर दिया, उसके बच्चे तो यहाँ किडनैपर के लिए आई। अरे मैं फिर गाली दे दूंगी, उल्लू की पट्टी तो कहती है कि एक माँ से एक बच्चों को छीन ले, तो माँ कहलाने के लायक है? पहले तो औरत कहलाने के लायक भी नहीं है, माँ तो बहुत दूर की बात होती है। तो औरत, तेरी जैसी औरत अगर दोबारा जन्म लेगी ना धरती पे, तो धरती फट जाए और उसमें समा जाए वो औरत। इसके इसके नाम, इसके नाम मैडम, इसके नाम गिनवाऊं के है? काले मुआली डंकनी, बेशरम, बेहया, भाई रोई, बेगैरत औरत, कंचनी, कैमरा केक क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये इससे छूट होते भी हैं, ये इससे छूट होते भी हैं, ये सिचुएशन के हिसाब से अपना नाम डिसाइड करती है। बिल्कुल, इसके सिचुएशन के हिसाब से उसके नाम डिसाइड होते हैं। बेशरम, बेगैरत औरत, यहाँ से फूटी पड़ी है, यहाँ से फूटी पड़ी है, यहाँ से फूटी पड़ी है, लेकिन फिर भी क्या कहेगी? AI द्वारा जनरेट है, इसका भाई है ना, AI द्वारा जनरेट है। अब इन लोगों पे, हाँ, अब इन लोगों पे ना वो करो, क्या बोलते हैं, इन लोगों पे वो करो भैया, जांच करो, हाँ, जांच करो, कहाँ गए तुम्हारे? ये पाकिस्तान में है ना, ये पाकिस्तानी गद्दार ये करते हैं मेरी एडिटिंग। उसके बाद एक और आती है रोड के किनारे बैठ के, जो हमने वहां पर पूरा उसमें केस डाला था, उससे सुनवाई होने वाली है, सबकी जांच हो गई, मेरे पास तो कॉल ही नहीं आई कोई। हमारी जांच कैसे हो गई भाई? हमको बिना पूछे कैसे जांच हो गई भाई?
हमारे खून खंगाले में ना कैसे जांच हो गई भाई। अगर झूठ बोल इतना जितना आटे में नमक, नमक में आटा डालेगा तो जिंदगी भर नहीं खा पाएगा, और खाना है भी नहीं। ये बोदली जज, बोदली जज यहाँ आई, लप्पू का परिवार इसने बर्बाद कर दिया। एपी सिंह बचा हुआ था, एपी सिंह को बर्बाद कर दिया। एपी सिंह तो गयो भाया, तो तेरा कोई काम नहीं है कतई। बब रोम रोम भाई, रोम रोम सत्यानाश कर पाई का सत्यानाश। और मेरे को तो लग रहा है जेल में जाएगी, कहीं जेलरों का भी सत्यानाश ना कर दे। तो इतनी दंकनी है, इतनी वो है, भगवान कसम ये तो पता नहीं क्या क्या कर जाएगी सरिता जी, देख लेना। सुनो मैडम, ईब तो सबका ठोकर लाग ली मैडम, जेलर भी कति अपना हाथ जोड़ रहे होंगे कि भाई ये कार लाग रही है, कड़े मुंह वाली डंकनी छदारी नाग, बच लियो बच लियो। सुनो तो सरिता जी, जो लोग जेल के अंदर बैठे होंगे ना, जिन लोगों ने सुना होगा कि ये वैसे आई है, इनलीगल आई है, और ये इतना नाच गाना कर रही है, इतनी मतलब फेमस हो गई पूरे वर्ल्ड में, वो कह होंगे आप बेटा तो उन्होंने मूसल रखी होगी, मूसल तो आ यहाँ मूसल से ही तोड़ेंगे तरफ तर। हाँ, और पैर अजुन पैरों को तो कूद कूद के नाचती थी ना, सबसे पहले वो पैर कूटे जाएंगे गट्टे 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 जैसे गट्टे। मैडम जिनका नाम जुकर सैप है, वे सीमा है ना इसका नाम, और अल्फाबेटिक ऑर्डर होया कर मैडम, जेल में वार्ड मिला जब तो सीमा सैप है, कोई और होगा, वे राजी हो रही हूँ, मारे दौर आओगी, मारे दौर आओगी, कूटेंगे कभी। बिल्कुल जो हो रहा होगा सैप है, मार दौर आ गया ना कभी, नू बैठा है बैठा है। हाँ, मैं कह रही हूँ हम तो दोनों के दोनों ऐसे मारेंगे, और फिर बिल्कुल वो जो रीढ़ की हड्डी है ना, जिससे पूरी पीठ ऐसी रहती है, हाँ। ना रहेगी तो फिर कैसे ऐसे रहेगी।